हेलो स्टूडेंट, आज हम मोशन एंड फोर्स के सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.1 है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार ऑफ मास 900 केजी व्हेन ए नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्स अपॉन इट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाई जिसमें एक कार को 2700 न्यूटन की एक फोर्स पुल कर रही है और उसका मास जो है 900 केजी है, और हमें इस क्वेश्चन के मुताबिक उसका एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना है। अब देखिए, हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा है फोर्स इज इक्वल टू 2700 न्यूटन और मास इज इक्वल टू 900 केजी, और हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या होगा जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेलेक्ट कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें, हमने इस फार्मूले में इसका गिवन डाटा पुट कर दिया है। अब देखिए, जो हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन के राइट साइड में आ रहा है, तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड को रिप्लेस कर दें, एक्सचेंज कर दें, ताकि उनके कुछ स्टेप्स जो हैं वो बच जाएं और कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक्सचेंज करने का जो स्टेप है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में थोड़े से वीक हैं। अब देखिए, हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एक्सचेंज कर लिया, और हमारा 900 ए इज इक्वल टू 2700 के बराबर हो गया। अब हम इसमें 900 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड इसको हम डिवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, और अब देखिए इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे और हमारा एक्सेलरेशन जो है वो हमारा फाइंड होगा। अब देखिए, हमने इसका मैथ सॉल्व किया तो हमारे एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और यही हमारा आंसर होगा।